Bismillahir Rahmanir Rahim. alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Grade Four, Unit Number Seven, and Unit Number Seven is about Data Handling. Today we will solve Question Number Five of Review Exercise Seven. The following pie chart shows the marks obtained in different subjects out of six hundred by Amjad. अमजद नामी को स्टूडेंट है जिसने 600 में से मार्क्स लिए हैं जो कि आपको नीचे पाई चार्ट की सूरत में शो किया गया हाइस्ट मार्क्स।, तो मार्क्स निकालने के लिए आपको सब कैलकुलेट करने पड़ेंगे तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये जी कंप्यूटर में मैं आपको सारे अलग करके दिखा देता हूँ कंप्यूटर है जी फोर बाय ट्वेंटी फाइव इसका मतलब ऐसे सिक्स हंड्रेड से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जब आप सिक्स हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखें क्या ये ट्वेंटी फाइव के टेबल पे आ रहा है यानी क्या ट्वेंटी फाइव से डिविजिबल है सिक्स हंड्रेड अगर तो ये सिक्स हंड्रेड है तो आप इसे डायरेक्ट इसके साथ काट सकते हैं तो ये ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी फोर करो तो ये सिक्स हंड्रेड बन जाता है इसका मतलब है ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाइड बाई फोर करो तो ये हमारे पास आ जाएगा नाइन्टी सिक्स बात क्लियर है पता चला कि के कंप्यूटर में नाइन्टी सिक्स मार्क्स हैं अब साइंस की बारी आ गई वन बाई टेन है तो वन बाई टेन मल्टीप्लाइड बाई सिक्स हंड्रेड तो ये टेन इसके साथ कटेगा तो सिक्सटी पता चला साइंस में मार्क्स आए हैं जी सिक्सटी इसी तरीके से अगर इसकी बात करो तो इंग्लिश की फाइव बाई ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाइड बाई सी सिक्स हंड्रेड तो ये ट्वेंटी फाइव इसके साथ कटेगा तो फिर ट्वेंटी फोर अब ट्वेंटी फोर जो है फाइव से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा वन ट्वेंटी ठीक है उसके बाद आपने इस्लामी याद के लिए कैलकुलेट करना है तो सिक्स बाई फिफ़्टी है तो सिक्स बाय फिफ्टी मल्टीप्लाइड बाय सिक्स हंड्रेड इसी तरीके से आपने सिक्स हंड्रेड को डिवाइड करना है फिफ्टी पे जो कि आंसर आएगा ट्वेल्व अब ट्वेल्व को सिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 72. टू पता चला कि इस्लामियात में मार्क्स लिए हैं जी सेवेंटी टू इंग्लिश में वन ट्वेंटी उसके बाद आप देख लें मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं जी थ्री बाय ट्वेंटी मल्टीप्लाइड सिक्स हंड्रेड टोटल सिक्स हंड्रेड है ना इस वजह से हम तमाम फ्रैक्शन को उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो थर्टी आंसर देगा थर्टी इन थ्री करोगे तो नाइन्टी पता चला कि मैथ्स में उन्होंने अमजद साहब ने नाइन्टी मार्क्स लिए हैं अब पार्क स्टडी की अगर बात कर लें तो थ्री बाई ट्वेंटी या इसको भी मल्टीप्लाई बाई सिक्स हंड्रेड करो तो ये जब आप ट्वेंटी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास फिर से थर्टी आएगा थर्टी इंटू थ्री करेंगे तो इधर भी नाइन्टी पता चला कि पार्क स्टडी में भी अमजद ने नाइन्टी मार्क्स लिए हैं अब हमने क्योंकि तमाम वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली हैं अब हम इन क्वेश्चन का बसानी आंसर दे सकेंगे इन विस सब्जेक्ट अमजद जो एंड हाइस्ट मार्क भाई देखो सबसे ज़्यादा मार्क्स कितने हैं जी सबसे ज़्यादा नाइन्टी सिक्स हैं और वो है कंप्यूटर में इसका मतलब है पहले वाले का आंसर क्या बनेगा कंप्यूटर इन विच सब्जेक्ट अमजद जद लीस्ट मार्क्स सबसे कम कहाँ पर है जी सबसे कम साइंस में है जो कि सिक्सटी है तो लिहाजा इधर आप इसका लिख देंगे साइंस पार्ट थर्ड में देखें हाउ मच मार्क्स आर ऑबटेन इन कंप्यूटर भाई कंप्यूटर में मार्क्स आए कितने वो है जी नाइन्टी सिक्स तो ये लिख देंगे आप इधर नाइन्टी सिक्स मार्क्स हाउ मच मार्क्स आर ऑबटेंड इन पार्क स्टडीज तो पार्क स्टडीज में कितने मार्क्स लिए हैं जी हम देखने नाइन्टी तो इधर आप लिख देंगे नाइन्टी मार्क्स आसान है ना हाउ मच मार्क्स आर ऑबटेंड इन साइंस तो साइंस में देखें जी सिक्सटी मार्क्स आए हैं तो so, आप सिक्सटी मार्क्स लिख देंगे हाउ मच मार्क्स आर ऑल ऑबटेंडल इन ऑल सब्जेक्ट्स तो अब आप क्या करेंगे इन तमाम वैल्यूज को ऐड करेंगे देखें जी नाइन्टी सिक्स है नाइन्टी सिक्स प्लस सिक्सटी प्लस वन ट्वेंटी प्लस सेवेंटी टू प्लस नाइन्टी प्लस नाइन्टी जब आपने इन सबको ऐड किया तो टोटल कितने बने 528. इसका मतलब है कि अमजद ने 528 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 600. ठीक है तो पहले बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर फाइव रिव्यू एक्सरसाइज सेवन का आज के लिए इतना ही अल्लाह हाफिज़